सुबह 9 बजे पहुँचना है, आप 2 बजे पहुँचते हैं, अभी तो यहीं है। गाड़ी कमा पाएंगे आज? देखो मुश्किल है, कोशिश कर रहे हैं जाने की। बस से जाते हैं नहीं, ऑटो से जाते हैं, चार्ज का बदलना पड़ता है और कम से कम 60 किलोमीटर दूरी जाते हैं। किसान संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है और इस वक्त हम लोग पंचकुला में मौजूद हैं। देखिए वाहनों की लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही हैं क्योंकि ज्यादातर लोग आज निजी वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। सोनलाल जी। सोनलाल जी आप कहाँ से हैं, कहाँ जाना है? मैं रायपुरानी से आया जी। आप ये बताइए कि जो आज भारत बंद है उसका कितना असर आप देख रहे हैं? बहुत ज्यादा असर है जी, बहुत असर पड़ रहा है जी। बहुत ज्यादा असर लोगों के बताओ देखने को मिल रहा है और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए आप क्या काम करते हैं? दिहाड़ी काम करते हैं, पत्थर डाल का। आज भारत बंद है, क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत बहुत है, साधन वाधन कब मिल रहे हैं, इसी प्रकार का दूर भी जाना भी है, सुबह 9 बजे पहुंचना है, आप 2 बजे पहुंचते हैं, अभी तो यहीं है। दिहाड़ी कमा पाएंगे आज? देखो मुश्किल है, कोशिश कर रहे हैं जाने की। आपने कितनी दूर जाना है और नॉर्मली आप क्या बस से जाते हैं? बस से जाते हैं नहीं, ऑटो से जाते हैं, चार्ज का बदलना पड़ता है और कम से कम 60 किलोमीटर दूरी जाते हैं। ऑटो मिल रहे हैं कि नहीं? अभी तो नहीं मिले हैं, अभी नहीं मिले, अभी मिस्त्री भी हमारे नहीं आ पाए हैं पीछे से। अब ये हाल पंचकुला है जहां न केवल बसें बल्कि लोगों को ऑटो भी मयसर नहीं है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जो वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, नौकरी पेशा लोगों को ज्यादा दिक्कतें आ रही है, हालांकि वो निजी वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी ट्रैफिक जाम की समस्या है। और जो लोग बसों से यात्रा करते हैं, सरकारी दफ्तरों में पहुंचते हैं, छात्र छात्राएं जो बसों का इस्तेमाल करते हुए अपने शिक्षण संस्थानों में पहुंचते हैं, आज वो मजबूर हैं छुट्टी करने के लिए क्योंकि सार्वजनिक तौर पर चलने वाली बसें और निजी बसें सभी पूरी तरह से बंद है। तो कुल मिलाकर आज भारत बंद का जो आह्वान है, किसान जो प्रदर्शन है, उसका चौथा दिन बंद से हो रहा है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, पंचकुला।